हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू लुक। फिर से आपका दोस्त आपका छोटा भाई रौनक आपके लिए खास और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आ चुका है। जैसे कि आप लोगों को हम प्रॉमिस किए थे भाई, दीपावली का वीडियो तो समाप्त हो चुका है, अब छठ आ चुका है। तो छठ का भी वीडियो आपके लिए हम लेके आ चुके हैं गाइस। आज हम लोग जाएंगे घाट बनाने के लिए और बहुत सारे कुछ आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को आप एंड तक जुड़े रहिए। अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो गाइस। क्या जाता है सब्सक्राइब करने में, 25,000 का टारगेट है, पूरा दो यार, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे हम लोग अपना घाट बनाने के लिए, वो भी सीन आप देख लीजिएगा। और शाम के समय जो पूजा उजा होगा वो भी सीन आपको हम दिखा देंगे। तो इस वीडियो में आप बने रहिए। हम लोग के गांव में एक नहर है, एक धार है, धार भी चलता पानी है, नहर भी चलता पानी है। तो बहुत सारे लोग नहर पे भी करते हैं और बहुत सारे लोग धार में भी करते हैं। तो हम लोग धार में ही कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमारे फैमिली के लोग हैं वो तो सारा धार में ही कर रहे हैं, तो हम लोग भी धार में कर लिए। लेकिन जो गाँव के आधे लोग हैं वो देखिए ये नहर है, वहीं पर घाट बनाए हैं और यहीं पर ये लोग छठ पूजा करेंगे। और अभी तो हम फिर जाएँगे उधर, क्या कहते हैं, घाट बनाने के लिए, क्योंकि छठ का समय है तो घाट बनाना पड़ेगा हमको। इधर से देखिए पानी जो है नहर में अभी काफ़ी कम ही है, लेकिन पानी अभी धीरे धीरे उधर से आना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे चारों बगल देखिए बच्चे कितने खुश हैं, घाट बनाने के लिए आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। घाट बनाने आते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत मौज मस्ती भी हो जाता है गाइस। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे हैं, ये तो निप भी रहे हैं और मौज मस्ती भी कर रहे हैं, स्नान भी कर रहे हैं, कम पानी है, स्नान भी कर रहे हैं। और घाट जो है यहाँ पे काफ़ी सुंदर बनाया जा रहा है, चारों तरफ साफ सुथरा हो चुका है और रोड भी का भी सफाई किया जा रहा है। इधर से जो डाली आता है उसके लिए रोड का भी सफाई किया जा रहा है। गाइस नहर का पानी है, एकदम ठंडा पानी है। यहाँ पर देखिए घाट बन चुका है इन लोगों का और यहाँ पर थोड़ा बहुत ये निप पोंछ भी दिए हैं और भैया वहाँ पे बाइक लगा खड़ा है। वहाँ पे देखिए काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पे भी साफ़ सुथरा कर रहे हैं और निपा पोछी कर रहे हैं। ये देखिए गाइस, रौनक कुमार घाट बना रहा है, अपना छोटा सा घाट बनाया है। मज़ा आ रहा है गाइस घाट बनाने में, सब यहाँ पे अपना अपना घाट बनाते हैं और छठ पर्व मनाते हैं। हरी और धूप अब तो छिलाए लगल, गंगा जी के घाट चारू ओर लिपाए लगल। हरी और धूप अब तो छिलाए लगल, गंगा जी के घाट चारू ओर लिपाए लगल। होखे लगल पूजा अर्चन, छठी मैया के होता आगमन। स्वागतम 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 स्वागतम। गाइस आप देखिए हम अपना छठ घाट तैयार कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे सीढ़ी बनाए हैं नीचे पानी में जाने के लिए। और मेरा घाट कैसा है कमेंट करके बताइए। तो गाइस अब जो संध्या अर्घ होगा उसमें हम आपको कुछ क्लिप दिखाएंगे और सुबह का जो क्लिप होगा, सुबह जो होता है लास्ट छठ का दिन, उसका भी क्लिप आपको दिखाएंगे। तो आप लोग शाम को मिलेंगे आप लोग के साथ। लेकिन हमारा छठ घाट कैसा है आप उसे कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। पानी देखिए कितना साफ़ है आगे का, पूरा यहाँ पे पत्थर चूर भरा हुआ था उसको हम लोग साइड कर दिए। और आपका भाई अकेला बनाया है इतना सारा घाट, तो आप लोग उसके लिए तो एक लाइक आप लोग कर ही दिया कीजिए। यहाँ पर केला का पेड़ हम लोग लगाए हैं और शाम का जो सीन होगा मोमबत्ती से भी सजाते हैं, दीप डालते हैं और छठ का सूप होगा वो भी डालेंगे, वो मस्त सीन होता है। तो आप लोग को शाम में डायरेक्ट आपको एक सुंदर व्यू और छठ मैया का दर्शन कराएंगे, आप लोग भी प्रणाम कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ठंडा ठंडा हवा आता है, वहाँ तक है घाट, उधर भी लोग छेके हैं तो उधर भी बना लिए हैं, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है, बना के दिल में अलग सुकून मिलता है। तो गाइज आपको डायरेक्ट हम शाम में क्लिप दिखाते हैं। गाइस शाम का समय है, हम लोग जैसे कि आपको बोले थे शाम का भी कुछ सीन दिखाएंगे छठ का, यहाँ पे आ चुके हैं देखिए छठ का सीन लेके। और हमारे साथ हैं हर्ष कुमार जो मेरे गांव में ही है, चाचा के लड़के लगते हैं, और आदित्य कुमार। और अभी आदित्य कुमार यहाँ पे
पराका छोड़ने के लिए तैयार है। देखिए कैच ले रहा है, हाथे में बोला है छोड़ देंगे। आदित को सलाह मिलता है कि नहीं? अपन हाथ का बना रहेगा अच्छे। हाँ सक्सेस रो। हे बम हो तो हम छोड़े छपिछू में। स्ट्रिप आदित सेकंड ट्रिप जाओ रे। थर्ड ट्रिप हम देख। फेंकिया नहीं ना। हाँ फेंका उन्ना उन्ना फेंका। क्या फोड़ेगा क्या बनाएगा उसका। अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस अपना घाट तरफ और अपना घाट का सीन दिखाएंगे। हर्ष कुमार हमेशा मेरा साथ रहता है। साइड में पत्थर चूर देख लीजिए कितना है, पूरा धार में पत्थर चूर भरा हुआ है। देखिए संध्या अलग हो गया है, हम लोग जा रहे हैं घर और यहाँ से कम गाँव से मतलब कि 2 किलोमीटर है, 2 या 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। देखिए पीछे छत, आदित्य भी है यहाँ, आगे सत्यम जी जा रहे हैं। गाइज जैसे कि आपको बोले थे हम सुबह का भी सीन आपको दिखाएंगे, तो गाइज अभी हैं हम नहर पे और नहर का आपको कुछ सीन दिखा रहे हैं। गाइज अभी सुबह का जो अर्घ होता है वो है और सुबह के अभी 4 या 5 बज रहे होंगे। हम लोग अभी घाट पे आ चुके हैं, उसके बाद देखिए कितना लंबा और कितना चौड़ा है। आपको दिन के टाइम हम दिखाए थे कि यहाँ पे पानी उतना नहीं था, लेकिन अभी शाम के टाइम सुबह के टाइम देखिए पानी, कल शाम को ही आ गई थी पानी, अभी सुबह भी पानी पूरा फुल है नहर पे। और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर लग रहा है और पीछे भी है, वहाँ से स्टार्ट है और घाट और आगे लास्ट जो पेड़ से मेरा इंट्रो स्टार्ट हुआ था वहाँ पे घाट लास्ट है। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है, अभी तो उतना उजाला नहीं हुआ है, चारों तरफ देखिए फॉग ही फॉग है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। और छठ पर्व आप कैसे मना रहे हैं हमें कॉमेंट में ज़रूर कॉमेंट करके बताइए। मेरे तरफ से आप सभी को हम छठ की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। आप ऐसे ही हर साल छठ मनाएं और अपने फैमिली के साथ मिलके मनाएं, गांव में मनाएं, शहर में जहाँ पे भी मनाएं, लेकिन खुश हा के मनाइए। हर त्यौहार आपकी खुशी के लिए होता है। बीच खड़ा होई दर्शन ला।
चुका है। अभी जो है छठ का सुबह का जो अर्घ होता है सूर्योदय हो चुका है, अभी हम लोग अर्घ देंगे, वो भी सीन आप देखिएगा। उसके बाद हम लोग इधर आप देख सकते हैं लाइट आ रहा था, सूर्य आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन आप सूर्य भगवान का हम आगे कैमरा से कुछ सीन लिए, आप उसका दर्शन कर लीजिएगा, प्रणाम कर लीजिएगा, छठी मैया का आशीर्वाद। इस वीडियो को आप लाइक भी कीजिएगा। तो अभी हम आपको धार में है, नहर से आ गए थे तो अभी हम धार पे हैं और यहीं पे हम लोग का छठ हो रहा है, तो उधर है हम लोग का घाट, अभी हम लोग वहीं पे जाएंगे और अर्घ दे। तो उसके बाद इधर तो गाइस अर्घ देना स्टार्ट हो चुका है, हम लोग भी जा रहे हैं अर्घ देने के लिए। तो आप वो सीन हम आगे कैमरा से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं सूर्योदय का सीन कितना अच्छा है, आप लोग भी प्रणाम कर लीजिए, मैया का नाम लीजिए और अपना जीवन खुशहाली से बिताइए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अभी टाइम हो रही है 6:41 6:41 और 10 मिनट पहले उग गया था, तो 6:30 मानिए 6:30 सूर्य उगा। Beaches